इतना झूठ बोला है एक के बाद दूसरा, और मुझे समझ में नहीं आता कि एक के बाद दूसरी बार कोई व्यक्ति कैसे इतना झूठ बोल सकता है। और राहुल गांधी जी ने तो नए रिकॉर्ड बना दिए झूठ बोलने के और भारत के अपमान करने के। राहुल गांधी ने विदेश जाकर सिखों के बारे में जो टिप्पणी की कि सिख समुदाय पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, कृपाण नहीं लगा सकता, गुरुद्वारे नहीं जा सकता, अरे सिखों का अपमान हत्याएं कहीं पे हुई थी तो राजीव गांधी जी के दौर में 1984 में। कांग्रेस का हाथ भारत विरोधियों के साथ, साफ दिखता है कि इरादे कांग्रेस और पाकिस्तान के एक जैसे। देखिए जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी दिल्ली में आके कुछ बयान देते थे, जम्मू कश्मीर में जाकर दूसरा बयान देते थे, इसी तरह से राहुल गांधी जी विदेश से बाहर जाकर दूसरा बयान देते हैं, घर में आकर फिर उस बयान से पलटने का काम करते हैं। सच्चाई ये है जब जब राहुल गांधी जी का विदेशी दौरा हुआ उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया, देश का अपमान किया और इतना झूठ बोला है एक के बाद दूसरा। और मुझे समझ में नहीं आता कि एक के बाद दूसरी बार कोई व्यक्ति कैसे इतना झूठ बोल सकता है। और राहुल गांधी जी ने तो नए रिकॉर्ड बना दिए झूठ बोलने के और भारत के अपमान करने के। क्या ये सच नहीं कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर सिखों के बारे में जो टिप्पणी की कि सिख समुदाय पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, कृपाण नहीं लगा सकता, गुरुद्वारे नहीं जा सकता, अरे सिखों का अपमान हत्याएं कहीं पे हुई थी तो राजीव गांधी जी के दौर में 1984 में गले में टायर डाल के उनको मार दिया गया था, गले रेत दिए गए थे, केश काट दिए गए थे, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ था, न्याय दिलाने का काम उसमें भी मोदी सरकार के आने के बाद SIT गठन करके हुआ। दूसरा भारत विरोधियों से बार बार जाकर कांग्रेस का हाथ भारत विरोधियों के साथ, जिन जिन से इनकी मुलाकात हुई चाहे चीन में जाकर हुई, भारत के अंदर चीन के अधिकारियों से हुई, या अमेरिका में जाकर अमेरिका के उस सांसद से जो भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा खोल के रखती हैं और पाकिस्तान प्रेम उनमें दिखता है। तो राहुल गांधी जी हम नहीं कहते, अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह उठे हैं, साफ दिखता है कि इरादे कांग्रेस और पाकिस्तान के एक जैसे हैं, एक जैसी सोच है, लक्ष्य एक जैसा है। दिल्ली को आतिशी के रूप में नए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, आपकी क्या? मेरी शुभकामनाएं। बीजेपी कह रही है रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी, पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, अब दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी की है वो रिमोट कंट्रोल से चलेगी। हिमाचल में जो प्रवासी आ रहे हैं बाहर से उनको लेकर के प्रदेशवासियों में काफी रोष है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का मानना है कि उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो रही है और बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। देखिए एक नहीं अनेक ऐसे मामले आए हैं और वहाँ पे सबूत भी सामने आए, एक एक आधार कार्ड के ऊपर 15 लोगों की दुकानें चल रही हैं, अलग अलग काम हो रहे हैं। अगर इस तरह के बातें अगर मीडिया सोशल मीडिया में चल रही हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को पूरे हिमाचल के हर जिला में पूरी गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं और कहां कहां पर हो रही हैं, इस तरह के झूठे प्रमाण पत्र कहां कहां बने हैं और जो बने हैं उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, बनाने वाले के खिलाफ भी जो अधिकारी कर्मचारी है और जिसने बनाया है, इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।